हे गाइस, जो भी इस चैनल पर विजिट करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। साथ ही साथ अगर आप अमेज़ॉन से किसी भी तरह के प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, तो प्लीज़ वहां से जाके परचेस करें। यार अब रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड का, जहां पर चीनू ने किस किया होता है मिनातो को। मिनातो थोड़ा सा हैरान होता है और चीनू को ये बातें पता चल जाती हैं कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। अब इन दोनों के बीच में ऐसी बातें होती हैं जहाँ पे मिनातो को लगता है कि चीनू उससे प्यार करती है, इसीलिए जहाँ पे चीनू बताती कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसने बताया कि तुम पहली बार, यानी कि वो दोनों पहली बार जब मिले थे तो उन लोगों ने डेट करने की बात कही थी, जिस पर उसने शर्त रखा था कि अगर वो जीतेगा तो ही, नहीं तो मैं उसे किस नहीं करूँगी और डेट भी नहीं। जिसके बाद वो भागते हुए जाता है जोजो के पास, जिससे वो वाटर पोलो ज्वाइन कर सके। यहाँ पर वाटर पोलो ज्वाइन करने के लिए कुछ मेंबर्स और भी आते हैं, जिसमें से एक बंदा युताका भी होता है। यहाँ पर युताका इंस्पायर्ड होता है मिनातो से, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया होता है। अब यहाँ पे जोजो को दिखाया गया है जो कि अपने फ्लैशबैक्स को कुछ बताता है कि आज से कुछ साल पहले वो भी कई लोगों को ज्वाइन कराने की सोच रहा होता है, लेकिन वो सभी लोग किसी न किसी चीज़ से लेकर रिज़ाइन कर जाते थे और क्विट करते थे, लेकिन अब तुम लोग आ गए हो, जिससे उसे उम्मीद हो जगती है कि अब वो टीम बना सकता है। साथ ही एक और नए मेंबर का एंट्री होता है जिसका नाम ताकेकाज़ू है। ये काफ़ी ज़्यादा अकड़ू का किस्म का करेक्टर है और ख़ुद को गोली बताता है। लेकिन मिनातो और इन दोनों के बीच में जब एक कंपटीशन होता है, जहाँ पे मिनातो ऐसी छलांग मारता है कि वो मतलब ख़तरनाक वाली होती है। खैर, यहाँ पे वो ट्रूस का पानी बहुत ठंडा लगता है, जिससे बताते हैं कि वार्म अप भी करना चाहिए था। ताकेकाज़ू पहली बार में ही बॉल को पकड़ लेता है, लेकिन दूसरी बार में बॉल को छोड़ देता है, जिसके बाद वो थोड़ा निराश होता है। और यहाँ पे मिनातो के पैर में एक छोटा सा क्रैम्प आ चुका था, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि ताकेकाज़ू यहाँ से जाने लगा। कि ताकेकाज़ू को रोकने के लिए वो सभी लोग डिसाइड करते हैं, जहाँ पे सभी लोग मिलकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ताकेकाज़ू तुम्हें यहाँ से जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम एक काफ़ी अच्छे प्लेयर हो। उसके बाद वो लोग सभी लोग की नज़र एक और टीम मेंबर पर जाती है जिसका नाम शिंगो है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी है। और अब आगे पर हमें दिखाया गया जोजो को, जो कि सभी बच्चों को ये बोल रहा होता है कि उसे अब शुंगो की जरूरत है अगर उन्हें अपनी टीम को सुपर पावरफुल टीम बनानी है वाटर पोलो के अंदर, क्योंकि शुंगो जो है काफी अच्छा एथलीट के साथ साथ काफी अच्छा खिलाड़ी भी है और इंसान भी। जिसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो मिनातो को भेजेंगे। ताकेकाज़ू जाने लगता है, जहाँ पे जोजो उसे मना करता है और कहता है इस बंदे के सामने हमें प्यार से पेश आना होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके का बंदा है। इसलिए सभी लोग मिनातो को धक्का देते हैं और मिनातो सीधे शिंगो के सामने जाकर पहुंचता है। यहाँ पे शिंगो जो होता है काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का दिखाया गया है, जहाँ पर सभी लोग सोचते हैं कि ये शायद हमें मना ना कर दें। जिसके बाद यहाँ पे दिखाया गया मिनातो को, जो कि शिंगो से बात करने की कोशिश करता है अपने वाटर पोलो गेम को लेकर, जिससे वो वाटर पोलो में वो ज्वाइन कर सके। सभी लोग उसकी बातों को सुनते हैं, जहाँ पे शिंगो की शक्ल में बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं दिखती है। शिंगो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पे मिनातो उसे रोकने की भी कोशिश करता है, जहाँ पर वो रुकता है और बताता है कि वो बिल्कुल भी तुम्हारे गेम यानी कि वाटर पोलो में इंटरेस्टेड नहीं है। जहाँ पे सभी लोग ये बात सुनते हैं थोड़ा शॉक में होते हैं। अब यहाँ पर उसकी बात सही भी है, क्योंकि अगर उसे इंटरेस्ट नहीं है तो वो गेम खेले ही क्यों। नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया है कि हमारा मिनातो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है और उसका ध्यान क्लास में बिल्कुल नहीं है, सेम अदर चेस हर बच्चे करते हैं। और वो जैसे ही हेड डाउन करता है तो उसे चीनू का फेस याद आता है, जहाँ पे वो उससे पैसे मांग रही होती है। एक्चुअली ये फ्लैशबैक है। ये इस बात को सोचते ही मिनातो उठता है और उसकी नज़र सीधे शिंगो को पड़ जाती है। शिंगो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड तरीके से किताबों को पढ़ता है। यहाँ पर मिनातो इस चीज़ को नोटिस करता है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करता है इस बातों को, जहाँ पर वो ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स इतारो और बाकी सबको बताता है। इतारो एक प्लान रिवील करता है कि वो किस तरह से उसे अपने वाटर पोलो गेम में बुला सकते हैं, जिसके बाद सभी लोग इस बात को सुनते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये ट्रिक रियली काम करती है इन रियल वर्ल्ड में भी, क्योंकि मैंने एक खुद ट्रिक अपने दोस्तों पर आजमाई थी और उनसे 1200 रुपये लिए थे। खैर, यहाँ पर दिखाया गया शुगो को, जो कि बुक ढूंढ रहा होता है जहाँ पे युताका बुक लेने आता है। एक्चुअल में इनका बुक लेने का कोई भी इरादा नहीं होता है, बस वो उसके सामने वाटर पोलो की बात छेड़ते हैं, जिससे उसका ध्यान खिंच जाए, और ऐसा करने में वो कामयाब भी होते हैं। यहाँ पास से वो बुक लेकर जोर जोर से बातें करते हैं वाटर पोलो की और उस जगह से जाने लगते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया शुगो को, जो कि थोड़ा सा भी अट्रैक्ट हो रहा होता है, जहाँ पे बाथरूम के अंदर दिखाया गया, जहाँ पे ताकेकाज़ू और इतारो भी बातें करते हैं वाटर पोलो से रिलेटेड।
अब ये सभी लोग ये चाहते थे कि हमारा जो शुगो है वो उनके साथ ज्वाइन करे वाटर पोलो में, इसलिए वो इस तरह के ट्रिक्स का आजमा रहते हैं। और मैं 90% बता दूँ कि ये ट्रिक काम करती है, जहाँ पे सभी लोग अब उसे वाटर पोलो के लिए एक्साइट कराने के लिए एक बार बॉल फेंकते हैं वाटर पोलो वाली, जिस पर उसके सामने मिनातो आता है। मिनातो बोलता है, हे तुम यहाँ पर कैसे? एक्चुअल में ये लोग प्लान बना कर आए होते हैं कि उसे आश्चर्य करेंगे, जहाँ पे जोजो और वो दोनों बहस करने लगते हैं वाटर पोलो के ऊपर, जिससे उसका ध्यान अपनी तरफ खींचे जा सकें। जिसके बाद वो पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ वाटर पोलो ज्वाइन करना चाहोगे? यहाँ पे शुगो बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हारे और भी मेंबर्स यहीं पर हैं, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ उन्हें तुम यहाँ पर बुला लो। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि ठीक है। तो यहाँ पर युताके काजू और सभी लोग मतलब बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, यानी कि शुगो को, कि तुम इस गेम को ज्वाइन करो, ये गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और मज़ेदार है। जिसके बाद यहाँ पर वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो शांति से खड़ा होकर उनकी सिर्फ बातें सुनता है और सभी लोग उसे ज्वाइन कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। जहाँ पर हमारा जो युताका होता है, युताका बताता है कि वो अपने वॉलीबॉल में कभी भी अच्छा नहीं था, सभी लोग उससे काफ़ी ज़्यादा हेट किया करते थे। जिसके बाद मैंने मिनातो की बातों को सुना और मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और इस गेम को खेलने के लिए मैं एक परफेक्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मिनातो या फिर कोई भी और भी हो सकता है जो कि इस गेम में आ जाए, तो ये टीम सुपर पावरफुल टीम बन जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया गया शुगो को, जो कि इस बात के लिए वो राज़ी होता है। मिनातो के फेस में देखते ही ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन शुगो की एक शर्त होती है और वो शर्त ये है कि अगर उस सभी लोगों ने मिलकर उसे वाटर मतलब रेस में अगर हरा दिया तो ही वो इस टीम को ज्वाइन करेगा और वाटर पोलो खेलेगा। अगर नहीं हो कर पाए या फिर नहीं हरा पाए तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम लोग उसे कभी भी परेशान नहीं करोगे। इसकी यही एक शर्त इन सभी लोग को माननी पड़ती है और वो लोग यही चाहते थे, जिससे वो लोग इसकी टीम में मतलब शुगो इनकी टीम में आ सकें। तो ये लोग वार्म अप करते हैं और तैयारी करना चालू करते हैं, क्योंकि एक टीममेट्स अब एक सप्ताह बाद ही फाइट करने वाले होते हैं, यानी कि शुगो वर्सेस वाटर पोलो टीम, जो कि ये सभी मेंबर्स हैं। ताकि अगर हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे तो शायद हम लोग शुगो को हरा देंगे। इतारो चिल्लाता है और बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करें तो हम कभी भी नहीं हरा पाएंगे शुगो को, क्योंकि शुगो 100 मीटर में 52 सेकंड्स और 150 मीटर में 79 सेकंड्स लेता है। यहाँ पर ये सारी ब्यौरा वो दिखाता है और बताता है कि एक्चुअल में शुगो 1:39 के अंदर इस पूरी रेस को कंप्लीट कर देगा। इवन हम सभी लोग का अगर अपना टाइम मिला भी दें तो भी हम लोग उससे जीत नहीं सकते, क्योंकि हमारे टाइम और यानी कि हमारी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब कि स्पीड इनकी कम है, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी के टाइम्स को अगर कैलकुलेट किया जाए तो उनकी टाइम यानी शुगो के टाइम से ज़्यादा होता है, जिसके ये लोग सभी लोग सुनते हैं और थोड़ा सा हैरान भी होते हैं। यहाँ पर मैं शुगो को दिखाया गया है जो कि अपने कराटे क्लास में होता है। सभी लोग इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि अगर शुगो को हराना है तो उन्हें और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी, फिर वो घर हो या बाहर, हमें हर वक्त इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर हमें दिखाया गया है शाम को, जहाँ पर हमारा मिनातो सोच रहा होता है और वो अपने पिछले बार के वाटर पोलो चैम्पियन की फ़ोटो देखता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके शुगो को हराना है और इस टीम में ज्वाइन अप करवाना है। जिसके बाद उसकी बहन की नज़र छत पर जाती है, जो कि छत हिल रही होती है, जिससे उन्हें समझ में आता है कि उसका भाई एक बार फिर से बेड पर लेटकर वाटर पोलो की जैसे देने की तैरने की कोशिश कर रहा है, जिससे उन्हें लगता है कि अब वो वापस से नॉर्मल हो रहा है। यहाँ पर ताकि काजू और बाकी सभी लोग एक बार फिर से वार्म अप करते हैं और अपनी स्पीड अप को चेक करते हैं, लेकिन ये अभी भी काफ़ी नहीं होता है उन सब यानी कि शुगो को हराने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा वो लोग खुश होते हैं, क्योंकि टाइम इनका अब कम हुआ था और स्पीड इंक्रीज हुई थी। अब हर दिन की तरह ये प्रैक्टिस करता है, जिससे इसके मदर एंड फादर भी अब खुश होते हैं कि वो नॉर्मल हो रहा है। यहाँ पर हमें एक बच्चे को बहते हुए दिखाया गया है, जो कि तैरने की कोशिश करता है और यहाँ पर वो बच्चा बहकर दूर चला जाता है। मैं बता दूं, ये शुगो का एक फ्लैशबैक होता है या फिर कहूँ एक ड्रीम होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि इसका जो फ्लैशबैक स्टोरी होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। यहाँ पे वो अपने डैड के लिए खाना बनाता है और स्कूल चला जाता है। स्कूल पे बैठते हुए वो खाना खाता है बड़े ही शानदार तरीके से, मतलब ये लोग पहले प्रार्थना करते हैं उसके बाद खाते हैं, हम लोग की तरह नहीं, मतलब चालू हो जाओ खाना खाने के लिए। खैर, अब वो दिन आ चुका है जब ये लोग अब रेस करने वाले हैं, यानी कि शुगो वर्सेस 6 पर्संस, जो कि इतारो, युताका और मिनातो हैं। पहली बार में इतारो जंप करता है और सभी लोग सोचते हैं कि अब वो जल निकल के और जीत ही जाएंगे। यहाँ पर पहला राउंड ख़त्म हो चुका था और अभी तक हमारे शुगो ने जंप भी नहीं किया था और अब 15 सेकंड्स ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर शुगो 15 सेकंड लेट अब जंप करता है
जिससे वो ये दिखा सके कि उनकी स्पीड उसके स्पीड के आगे कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि शुगो काफ़ी तेज़ी से पहला राउंड कंप्लीट कर चुका है, मतलब उनका सेकंड मेंबर जंप करने के पहले पहले उसने वो कंप्लीट कर दिया, मतलब उसकी स्पीड देखो कितनी खतरनाक है। यहाँ पर ये कैरेक्टर सबसे कमज़ोर कैरेक्टर दिखाया गया है, जहाँ पर मैं बता दूँ कि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग गया। अब यहाँ पर मिनातो जंप बहुत ही तेज़ी से करता है जिससे वो इस मैच को जीत सके, तो यहाँ पर वो पूरी कोशिश करता है शुगो को हराने के लिए। अब यहाँ पर वो फाइनली बहुत स्पीडली और बहुत तेज़ी से तैरता है। अब दोनों की उंगलियों को देखा जाता है जहाँ पर शुगो की उंगली पहले टच करती है उस वॉल को, जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि अब शुगो जीत चुका है और इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है। और यहाँ पर वो सदमे में होता है मिनाटो कि वो कैसे हार गया। और एपिसोड 4 में आपको देखने को मिलेगा कि शुगो हमारी टीम को ज्वाइन करेगा वाटर पोलो की कि नहीं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।